So welcome back, back the welcome in the third episode of Getting Over It. तो पिछले एपिसोड में बोने ने अपने मटके में टट्टी कर दी थी, उसकी वजह से हमारा लाइटनिंग पूरा नहीं हो पाया था. तो अब हम उसकी टट्टी पे मिट्टी डालते हुए नया एपिसोड बनाए हैं और इस एपिसोड में हम करेंगे स्नेक राइड. तो चलो खेलते हैं. तो इस अंगूठे पे बिल्कुल आराम से चढ़ते हुए हमें उस झोपड़ी तक चढ़ना जिसमें घंटा लगा हुआ है. तो बिल्कुल आराम से पहुंच गया हूं मैं. तो अब मुझे इस झोपड़े पे बिल्कुल आराम से चढ़ना है. ये रहे मेरे वो स्टोनेज के पत्थर, आदिवासी वाले वो साला कोई खंभे से बिल्ली चढ़ा रहा है. तो ये थी वो गेम की बात. अब मैं करता हूँ मेरी कॉलोनी की बात. आज सुबह सुबह क्या हुआ, मेरी मम्मी ने मुझे शोभा आंटी के यहाँ चीन लेने भेजा. तो मैं उनके गया तो आंटी ने बोला, बेटा मम्मी कुछ और कह रही थी. तो मम्मी ने बोला, अगर वो डायन ज़्यादा ना दे तो बगल वाली चौड़ैल से ले आना. तब से लेके अभी तक आंटी और मम्मी की बाल पकड़ पकड़ के लड़ाई हो रही है. चलो छोड़ो, अब हमें इन बर्फ़ के गोलों पे चढ़ना है, वो भी आराम आराम से. अब चलो आपको बोर ना हो इसलिए मैं नीचे वाली लाइन पढ़ता जाता हूँ. इज़ अ काइंडली, अबे साले यारो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो कट ही गया, हटाओ. तब मैं गोले पार कर लूँगा तो वापस खाने आऊँगा. नहीं नहीं यार, मोटे हैं, ऊपर से इनमें स्टोन्स भी लगे हैं, ऊपर से अपनी चाशनी नहीं है वो वाली. छोड़ो, चुपचाप से पार करते हैं अपन ये आराम से, आहिस्ता आहिस्ता. ये देखो मटके ने बैठे बैठे ने बुल्ली बॉडी बिल्डिंग कर ली साले ने, बहुत आ गया मैं. तो अभी वैसी सिचुएशन बन चुकी है जैसे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं. 99 पे आते हुए थे हुए बड़ा सा सांप अपनी पूँछ फैलाए बैठा रहता है और एक गोटी का फांसा रहता है. 100 पे पहुँच गए तो पहुँच गए, नहीं तो फिर पहुँच जाओ एक पे. तो अब चढ़ो पत्थर पे, अब चल जल्दी चल. साला डाइपर पहनता नहीं है, आराम से चल जल्दी चल. यस वो रही मेरी बाल्टी और ये है हमारा डू नॉट राइड स्नेक. हाँ वो दूसरे दिन रिकॉर्डिंग कर रहा था इसलिए मैं ऐसा आ गया हूँ आराम से. ओ नहीं 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 नहीं, हाँ ये. अरे यार पानी ना हो बाल्टी में, बस एक तो यहाँ पे बर्फ बर्फ है. नहीं नो नो नो, थैंक्स गॉड बच गया मैं आराम से. अरे जल्दी चढ़े यार. अरे वैसे बाल्टी से मुझे किस्सा याद आया, रहने दो किस्सा को किसी और दिन सुनाऊंगा आपको. ओके चलो मैं आपको आज ही सुना देता हूँ. एक बार मेरे क्लास के कुछ हरामी बच्चों ने कुछ हरकत दी, कचड़े का डस्टबिन गेट के ऊपर रख दिया. और हमारी एक मैडम है जिसका नाम है शिल्पी, वो इतना सज धज के आती हैं तो कुछ बता नहीं सकते हैं. तो अब उन हरामी बच्चों ने क्या करा, गेट की नोक पे और सीलिंग की नोक पे डब्बा टिका दिया. जैसे ही मैम टांगते टांगते आ रही थी और वो उनके ऊपर कचड़े का मेकअप हो गया बस. तो अब मैं ये मेकअप ना करते हुए, आहा साला 5 घंटे से खेल रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे. ये बाल्टी से चढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं, बहुत हो गया. देख 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 भाई मेरा गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज़ भयंकर गुस्सा आ रहा है. तो अब मैं कुछ नहीं कहूँगा. प्लीज़ नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो को 10 लाइक कर दीजिए.